इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले आपको जो फास्ट जो थिंग आपको इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी वो है एक मोबाइल फ़ोन जो कि रूटेड होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते कि कैसे रूटेड होता है तो किसी भी यूट्यूब में वीडियो देख लीजिए, अगर आपको रूटेड करना नहीं आता तो मेरे को नीचे बोल दीजिए कि भाई कैसे रूट करते हैं, मैं वो भी आपको ट्यूटोरियल नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ज़रूर बोल दूँगा। और एक जो ऐप्स आपको इसमें लगेगी, इसमें ज़रूरत लगेगी, उसका नाम है रूट ब्राउज़र, और आप E3 एक्सप्लोरर भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत हेल्पफुल है। तो आप मेरे स्टेप्स को अभी फॉलो कीजिए कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर मेरा खुद की वाईफाई ही कनेक्ट करके रखा हुआ है मैंने, एंड अभी ये मैं आपको डिसकनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो देखा हुआ है ये मेरा वायरस नाम का वाईफाई है, तो मैं उसको फॉरगेट कर देता हूँ ताकि अगर फिर से मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूँ तो उसको पासवर्ड अब मांगे। तो मैं पासवर्ड जानता हूँ, और अगर आप पासवर्ड नहीं, पहले आप मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर दे देता हूँ और कनेक्ट कर देता हूँ। अगर आप पासवर्ड नहीं जानते तो नेक्स्ट टाइम आपको बोलूँगा कि क्या करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देख लीजिए, तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये कनेक्ट हो गया है। तो अब आपको कैसे मालूम होगा कि पासवर्ड क्या है, तो आपको सिंपली ये रूट ब्राउज़र या E3 फाइल एक्सप्लोरर आप दोनों सब्सक्राइब के सॉफ्टवेयर से किसी की एक को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं ये डाउनलोड कर चुका हूँ, अपने फ़ोन पे खोल लीजिए इसको, इसको आप निर्भर करके नो कर दीजिए। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा इस डाटा के फोल्डर में, और वहाँ पर आपको ओपन करना पड़ेगा इसको। फिर उसके बाद परमिशन को आप ग्रांट कर दीजिए, थोड़ा टाइम लगता है रूटर डिवाइस में। तो यहाँ पर को आपको कुछ ऐसी कुछ मिलेगी, तो यहाँ पर आपको मिक्स नाम पे फोल्डर मिलेंगे आपको, तो वहाँ पर आपको उसको ओपन करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो आपको वाईफाई का ऑप्शन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर उसको ओपन करना पड़ेगा। फिर आप अगर यहाँ पर WPS एप्लीकेंट इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप इसको ओपन करेंगे टेक्स्ट एडिटर पे, ओपन एस टेक्स्ट एडिटर, इसको आप खोल लीजिए। हाँ, टेक्स्ट एडिटर हो गया। तो आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर पासवर्ड लिखा हुआ है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये WPA करा हुआ है, इसीलिए पासवर्ड दिखा रहा है। अगर आप WPA2 सिक्योर कर देंगे तो ये मेथड काम नहीं करेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं PSK करके जो लिखा हुआ है, यही हमारा वाईफाई का पासवर्ड है जो हमने पहले डाला था। तो यही ठीक है, और नॉन रूट मेथड भी मैं नेक्स्ट कुछ ही दिन में बोल दूँगा, वो भी बहुत हेल्पफुल होंगी। तो अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अब तक के लिए बाय दोस्तों, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड एज ऑलवेज जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।